ओके, सो आफ्टर चैप्टर नंबर वन, चैप्टर नंबर टू, थ्री, थ्री नहीं किया हमने, सॉरी फोर, ओके फोर सिक्स, उसके बाद आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 11, ठीक है। नंबर्स मुझे याद नहीं रहते, चैप्टर के नाम ज्यादा ध्यान रहते हैं। सो चैप्टर वन में आपने क्या किया था भाई? नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट हमने देखा था कि कैसे ऑडिट के बेसिक्स क्या है, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, ऑडिट आपके इंटर में है क्यों। आपने स्कोप ऑफ ऑडिट देखा, और क्या देखा? ऑब्जेक्टिव्स देखे हमने ऐसे 200 के हिसाब से, और यस, और इनहेरेंट लिमिटेशंस आपने देखी, आपने क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर देखा, मतलब आपने बेसिक चीजें देखी ऑडिट की, ठीक है। ऑडिट की बेसिक चीजें देखने के बाद हमने मूव किया चैप्टर नंबर टू की तरफ, जहां पे हमने देखा ऑडिट की प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड प्रोग्रामिंग कैसे होती है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद हम सीधे गए थे चैप्टर नंबर सिक्स की ओर, जहां हमने देखा था ऐसे 230 के अंडर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपने क्या देखा था, कुछ याद है? हाँ बोलो। लेकिन आपने और क्या देखा, कितने कितने साल तक रिटेन करके रखना पड़ता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को? 7 years from the date of ऑडिट रिपोर्ट, यस। और हमने देखा कि आप किस चीज को आप डिलीट कर सकते हो, किस चीज को ऐड कर सकते हो, किसको आप डिलीट नहीं कर सकते ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में एक पीरियड के बाद। आपने देखा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का एक्सटेंट क्या होना चाहिए, कितना चीजों को डॉक्यूमेंट आपको करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होता क्या है, कब कर सकते हैं, क्यों करते हैं, पर्पज क्या होता है, एडवांटेजेस क्या होते हैं। सो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैंने भर भर के बहुत सारी बातें यहाँ पर अपन ने बात करी। उसके बाद हमने किया चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फोर एक्चुअली बहुत सारे ऐसे को मिलाकर एक चैप्टर बनाया गया है, जिसमें हमने पहला स्टैंडर्ड किया था ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, परफेक्ट, बहुत ही बड़ा स्टैंडर्ड था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मैंने उस टाइम भी बोला था। दूसरा कौन सा किया, बोलो बोलो, याद करो कौन सा किया था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505, उसके बाद 530 ऑडिट सैंपलिंग हमने किया था, उसके बाद 550 रिलेटेड पार्टी आपने किया, देन 520 एनालिटिकल प्रोसीजर आपने किया, ओके। उसके बाद एक और किया था हमने, एक और किया था इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वाला, कौन सा स्टैंडर्ड था? यस, है ना। सो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट वाला स्टैंडर्ड हमने किया 510। तो हमने 6-7 स्टैंडर्ड उस चैप्टर में कवर किए, ये किए ना, कोई और स्टैंडर्ड भी था उसके अंदर? नहीं, ओके। तो ये 6 स्टैंडर्ड हमने एक साथ करे चैप्टर नंबर 4 में, बहुत बड़ी बात है, तुम्हारे 6 स्टैंडर्ड हो गए, बढ़िया। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नंबर है चैप्टर नंबर 11। क्या नंबर है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, चैप्टर का नंबर क्या है, उसका नाम क्या है? एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। देखो तुम्हें एक बात मैं बताती हूँ, लास्ट अटेम्प्ट तक ये जो कॉन्सेप्ट्स एथिक्स और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में दिए हुए हैं, ये चैप्टर नंबर वन में ही क्लब करे हुए होते थे, मॉड्यूल में भी और कहीं ना कहीं बुक्स में भी, ओके। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर ये जो एथिक्स टर्म है, ये एक्चुअली में ऑडिट की बहुत ही बेसिक टर्म है, ठीक है। एथिक्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मली ऑडिट में नहीं, नॉर्मली प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। देखो जब भी आप कोई बिजनेस करते हो, कोई सर्विस करते हो, चाहे आप ऑडिट कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर हो, या कोई भी सर्विस दे रहे हो, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आपको वो बिजनेस वो सर्विस एथिक्स के साथ ही करना पड़ता है। खाली एक मोटिव नहीं होता है काम करने का, प्रॉफिट कमाना या फिर ना खाली क्लाइंट को सर्विस देना, नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप इन दोनों चीजों से छीन नहीं सकते, वो होती है उसकी प्रिंसिपल, उसकी वैल्यूज, उसकी एथिक्स। आप लाइफ में कुछ भी काम करते हो आपको एथिकल होकर ही करना पड़ता है, इसीलिए एथिक्स हमारे ऑडिट का भी फंडामेंटल क्या है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि आप बिना एथिक्स के, बिना एथिकल वैल्यूज के बिल्कुल भी ऑडिट कंडक्ट नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये चैप्टर बेसिक चैप्टर माना जाता है और ये हमेशा चैप्टर वन के साथ ही पढ़ाया गया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, इस बार इसके अंदर बस खाली इतना किया है कि इस चैप्टर को अलग से डाल दिया गया है एथिक्स के नाम से। क्यों किया है पता है? क्योंकि ये एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्लब लायक चैप्टर ही नहीं है, इसकी अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है, अपने आप में एक वैल्यू है, अपने आप में एक महत्व ये चैप्टर रखता है, इसीलिए इसको अलग कर दिया गया है और इसका नाम रखा गया है एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, आंखें और कान खोल कर सुनेंगे, है ना, सोएगा कोई नहीं, ओके। चैप्टर नंबर 11 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, देखो यहाँ सबसे पहले आप एथिक्स के बारे में कुछ बातें पढ़ोगे, जहां पे आप इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हो। ये शब्द मैंने आपको चैप्टर वन में
थोड़ा सा समझाया था कि इंडिपेंडेंस होता क्या है, आज हम कंप्लीट समझेंगे। उसके बाद आप इंडिपेंडेंस समझने के बाद आप लोग समझोगे बेटा ऐसे 210 भी इसके अंदर दिया हुआ है, ये जो दूसरा पार्ट है ना टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये आता है आपके ऐसे 210 के अंदर, ठीक है। सो ऐसे 210 आप पढ़ोगे, उसके बाद SQC 1 एंड ऐसे 220, ये दोनों भी इसी चैप्टर में दिए हुए हैं, जिसको बोलते हैं हम क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। सो बेसिकली आप पढ़ोगे इंडिपेंडेंस के बारे में, फिर आप पढ़ोगे एथिकल वैल्यूज के बारे में, ठीक है, बहुत सारे एथिकल वैल्यूज दी हुई है इसके अंदर। ये हो गया पार्ट नंबर 1 एथिक्स, ठीक है। फिर पार्ट नंबर 2 चालू होगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें दिया हुआ है आपका ऐसे 210 और 220 और SQC 1, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में चैप्टर बटा हुआ है, दोनों ही हिस्से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चैप्टर को मेरी तरफ से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, ठीक है। कि चाहे चैप्टर 1 के साथ होता तो भी मैं इस पोर्शन को इंपॉर्टेंट मार्क करवाती, ये अलग से दिया हुआ है तो ये पूरा चैप्टर ही मेरे लिए क्या है, सुपर इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही कुछ टेक्निकल बातें ज्यादा नहीं है इसके अंदर, समझने लायक चीजें ज्यादा है, आपको खुद ही समझ में आएगा शब्दों को देखकर कि क्या लिखा हुआ है। स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। ओके, एथिक्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। मैंने आपको एक चीज अभी जस्ट कही थी कि आपके ऑडिट की फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में आता है एथिकल वैल्यूज और एथिक्स, ठीक है। लेकिन अब एथिक्स होता क्या है, मीनिंग ऑफ एथिक्स, ये शब्द का मीनिंग पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है आपके इंटर के अंदर, कि एथिक्स का मीनिंग क्या होता है। आपके फाइनल के अंदर एक पूरा का पूरा पोर्शन आता है प्रोफेशनल एथिक्स बोलकर, ठीक है। वो पोर्शन अपने आप में इतना बड़ा है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक छोटे से शब्द का इंट्रोडक्शन है यहाँ पे एथिक्स। पढ़ती हूँ, देखो, मॉरल प्रिंसिपल्स व्हिच गवर्न्स अ पर्सन्स बिहेवियर और हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, इन इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द मॉरल प्रिंसिपल। एथिकल वैल्यूज प्रिंसिपल, ये सब क्या है, मॉरल प्रिंसिपल। मॉरल क्या होता है, हमने पढ़ी ना मॉरल साइंस, क्या होती है मॉरल साइंस, नैतिक वैल्यूज, है ना, नैतिक वैल्यूज, यस। सो यहां पर ऑडिट में एथिक्स क्या होता है वो नहीं बताया, पहले बताया एथिक्स नॉर्मल में क्या होता है। एथिक्स क्या होता है बेटा, सबको पता है, किसी भी इंसान की मॉरल प्रिंसिपल, उसकी नैतिक वैल्यू, जिसको जो उसका बिहेवियर क्या करती है, डिसाइड करती है। देखो जब भी कोई पर्सन बिहेव करता है ना, आप उसके बिहेवियर को देखते क्या बोलते हो कि हाँ भाई उसके एथिक्स अच्छे हैं या फिर नहीं है। इन द सेम वे यहाँ क्या बोला गया है, मॉरल प्रिंसिपल विच गवर्न द पर्सन्स बिहेवियर, उसके नैतिक वैल्यू, उसके प्रिंसिपल्स जो उसके बिहेवियर को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो किस तरह से कोई एक्टिविटी कंडक्ट करेगा। दूसरा, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड टू एक्ट एंड परफॉर्म। देखो मॉरल वैल्यूज कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि यू कैन टच और यू कैन सी, ओके। मॉरल वैल्यूज क्या है, स्टेट ऑफ माइंड, ऑब्वियसली बात है ना भाई, आपके दिमाग की पोजीशन है, किसी के दिमाग की पोजीशन, या किसी का दिमाग बहुत ज्यादा चालाक होता है, ओके, तो उसकी मॉरल वैल्यूज ना उसी हिसाब से डिसाइडेड होती है। और कोई पर्सन होता है बहुत काम, बहुत पॉजिटिव होता है, उसकी जो मॉरल वैल्यूज होती है वो उसी अकॉर्डिंग क्या होती है, डिसाइड होती है। तो इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग, इट इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड, ओके। उसके बाद नीड क्या है प्रोफेशनल एथिक्स की, ये प्रोफेशनल एथिक्स जो वर्ड अभी तुम्हें जस्ट मैंने बोला, ऑडिट में क्या जरूरत है तुम मुझे बताओ, एथिक्स क्यों जरूरी है ऑडिट में, टेल मी सम reasons, कोई भी बचा, एक एक रीजन बताओ, फिर मैं बहुत सारे बताऊंगी, ओके, ठीक है। और ठीक है, देखो सबसे इसे डिस्क्लोज वाले वर्ड को अगर मैं थोड़ा सा आगे लेकर जाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि ऑडिट में आप किसी और के बहुत ही सेंसिटिव डेटा को क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो, ठीक है। पहली बात तो किसी और के सेंसिटिव डेटा को हैंडल कर रहे हो, दूसरी बात जो तुम ओपिनियन दे रहे हो उस पर लाखों लोग क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो ना तो तुम्हारा ओपिनियन रॉन्ग हो सकता है और ना ही तुम्हारी डेटा हैंडलिंग गलत जा सकती है, ठीक है। इसीलिए आपको एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है, चाहे वो कॉन्फिडेंशियलिटी के रूप में हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस के रूप में हो, और चाहे वो इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी के रूप में हो। अगर आप ही ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करोगे, आप ही कोई प्रिंसिपल्स और एथिक्स के साथ काम नहीं करोगे, तो आप पर इतने लोग विश्वास जो कर रहे हैं उनकी नैया तो डूबेगी डूबेगी डेफिनेटली, और इतने सारे लोगों के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसका हमें कोई हक नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमारा ICAI, हमारा प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन हमें बाउंड करता है कि आपको अगर काम करना है तो आपको विद एथिक्स ही करना पड़ेगा, एथिकली ही करना पड़ेगा। और अगर आपको एक बात मैं बताऊं, अगर आप लोग गलत ओपिनियन देते हो या आपसे कोई गलती हो जाती है ओपिनियन में, तो फिर भी माफ हो जाती है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि लापरवाही से काम किया हुआ माफ नहीं होता, नहीं होता ना, वैसे ही अगर आप अपनी एथिक्स को भूलकर काम करते हो या एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करते हो, उसके अगेंस्ट भी डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाते हैं। तो हम हमारी एथिकल वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते। देखते इन्होंने क्या बोला है, देखो
लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली ना जो प्रोफेशनल एथिक्स है ना वो ऑडिट में ही एकदम डाली हुई है इन्होंने. नो, आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, देखो प्रोफेशनल पर्सन और ना एम्प्लॉय में बहुत डिफरेंस होता है. होता है ना, प्रोफेशनल पर्सन के साथ एथिक्स वर्ड बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वो क्लाइंट्स को क्या देता है, सर्विस देता है. आप चाहे डॉक्टर की सर्विस ले लो, आप चाहे लॉयर की सर्विस ले लो, चाहे आप ऑडिटर की सर्विस ले लो, आप किसी भी सर्विस पर्सन को देख लो, एथिकल वैल्यूज को फॉलो करना उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है. मैं बीसीके में जब ये पढ़ाती थी, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस प्रोफेशन वाले जो टॉपिक थे, उसमें एक पॉइंट आता था कि ना एम्प्लॉय का साइकोलॉजिकल मोटिव क्या होता है, लाइवलीहुड अर्न करना, बिजनेसमैन का प्रॉफिट अर्न करना, लेकिन एक प्रोफेशनल का साइकोलॉजिकल मोटिव क्या होता है, सर्विस टू सोसाइटी एंड सर्विस टू क्लाइंट्स. और जब ये साइकोलॉजिकल मोटिव होता है, वहां पर एथिकल वैल्यूज का कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते. देखो, प्रोफेशंस लाइक लॉ, मेडिसिन हैव देयर कोड ऑफ एथिक्स. इन द सेम वे ऑडिट प्रोफेशन इज नो एक्सेप्शन. ऑडिट में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पर भी एथिक्स फॉलो करने पड़ेंगे. रेदर इन प्रोफेशन ऑफ ऑडिटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इज मेनीफोल्ड एज सोसाइटीज इन जनरल, गवर्नमेंट, क्लाइंट, टैक्सिंग अथॉरिटीज, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, बिजनेस, फाइनेंशियल कम्युनिटी इन पर्टिकुलर हैव रिस्पॉन्डेड ट्रिमेंडस ट्रस्ट इन अ सर्विसेज रेंडर्ड बाय द रिपोज द ट्रिमेंडस ट्रस्ट इन सर्विसेज रेंडर्ड बाय द सीएस. ये क्या बोलता है, इवन हमारे प्रोफेशन में एथिक्स की जो वैल्यू है वो हजार फोल्ड, मेनी फोल्ड, हजार गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो खाली एक जैसे पर्सन नहीं होते, गवर्नमेंट भी क्लाइंट है, हाँ टैक्स अथॉरिटीज भी क्लाइंट है, नॉर्मल आदमी भी हमारा क्लाइंट है, कितने सारे लोग है कम्युनिटी में जो हमारे क्लाइंट है और जो हम पे आंख बंद कर कर क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं. उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स आर बेस्ड ऑन मोरालिटी, ये भी जस्ट हमने पढ़ा. Respect and confidence enjoyed by a profession to a great extent is depend on the strictness and coupleness with which such ethics are adhered to by the self discipline. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एकदम सही बात बोल रहा है. वैसे जब भी कहीं स्ट्रिक्टनेस होती है ना किसी चीज को लेकर, वहां पर वो चीज बेटर फॉलो होती है, ये तो पता है, हमें तो पता है. ठीक है, जैसे कि अगर समझो ICAI आपका एथिक्स को लेकर स्ट्रिक्ट ही नहीं हो, ठीक है, कोई डिसिप्लिन रिएक्शन नहीं लिया जाएगा, आप ऑनेस्टी से काम करो नहीं करो आपके जजमेंट पे डिपेंड करता है, आपको करना है जैसे करो, ओपिनियन ठीक दे दो, बस बात खत्म. ओके, तो तुम्हें क्या लगता है कि जितने भी सीएस हैं, जितने भी ऑडिटर हैं, बनते बनते ही आपस में एकदम नोबल हो जाते हैं? नहीं भाई, पर्सनल आदमी तो जैसा है वैसा ही रहेगा ना, जिसका नेचर जैसा है वैसा ही रहेगा, चाहे वो कितना भी हाई लेवल ऑफ प्रोफेशन को अचीव कर ले. इसीलिए बोला गया है कि किसी भी जो आपकी बॉडी होती है ना, जैसे कि ICAI हमारे क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करता है, वैसे ही मेडिसिन वालों का अलग है, लॉ वालों का अलग है. ओके, तो जो भी आपका गवर्निंग बॉडी है उसको स्ट्रिक्टनेस बना के रखना किसी भी चीज पर बहुत ही जरूरी है, अगर आपको उस चीज को सही से फॉलो करवाना है. तो अब हमने वहां में इन्होंने डिसाइड कर दिया कि डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे जब भी कोई ऑडिटर एथिक को क्या करेगा, कॉम्प्रोमाइज करेगा. अब क्या कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा? नहीं. अगर ये चीजें बनाई ही नहीं जाती, कोड ऑफ एथिक्स बनाया ही नहीं जाता, तो उसको कोई फॉलो नहीं करता भाई, कोई भी फॉलो नहीं करता. जरूरी नहीं है कि हर आदमी सेम हो, जरूरी नहीं है कि हर सीए क्या हो, नोबल हो, हर सीए क्या हो, अच्छा हो. ओके, और अभी ऊपर भी लिखा हुआ था, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड, ये कोई सही या गलत नहीं होता इसमें कुछ भी, एवरीथिंग इज क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है. और इसीलिए सबको सेम पेज पर लाकर रखना बहुत जरूरी है, सबके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बरतनी इस बात में थोड़ी सी जरूरी है. Professional ethics seek to protect the interest of the profession as a whole and act as a shield that enable us to command respect. हमारी respect करी इसलिए जाती है क्योंकि हम लोग nobility के साथ काम करते हैं, हम लोग ethical values के साथ काम करते हैं, और इस respect को maintain करने के लिए ही आपके यहाँ पे code of ethics बनाए गए हैं. खाली बताया नहीं गया है कि ethics ही होता है, ethics ही होता है, आपके लिए बकायदा code of ethics से जो issue किए गए हैं और वो आपको follow करने होते हैं. CAs, whether in practice or in service, are required to comply with the provision of code of ethics. Any deviation from ethical responsibility, देखो यहाँ पे आएगा. Any deviation from ethical responsibility bring the disciplinary mechanism into action against the chartered accountants, which may result in fines, suspension of membership, removal of membership, or other disciplinary action. क्या बोला है इन्होंने यहाँ पे कि अगर आप अपनी ethical responsibilities जो कि नीचे दी गई है उनसे deviate होते हो, उनसे हटके काम करते हो, तो आपके against disciplinary actions लिए जाने की पूरी पूरी power है आपकी जो भी governing body है उसके पास, जैसे कि fines लगाना, आपके membership तक को suspend कर देते हैं, और जब ज्यादा बात हो जाती है तो आपको even as a member remove भी कर देते हैं. ओके, होता है,
हुआ है क्या मैम जिंदगी में कभी ऐसा? डेफिनेटली हुआ है, और लास्ट के 2-3 साल में तो आईसीआई ने इसे धड़ाधड़ मतलब सस्पेंशंस किए हैं। सस्पेंशन का मतलब पता है ना, थोड़े से पीरियड के लिए सस्पेंड कर देते हैं। रिमूवल का मतलब हमेशा के लिए क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और स्पेशली इन मैटर्स पे, प्रोफेशनल आपके जो एथिक्स है इनके मैटर्स पे, जब इससे आप लोग चूकते हो या इससे आप डेविएट होते हो, वो चीज टॉलरेट कभी भी नहीं करी जाती किसी भी सर्विस बॉडी के अंडर। सेम अपने यहाँ पर भी ये चीज काम होती है, ओके? और प्रैक्टिकली हुआ है, होता रहता है, होता रहता है, बहुत होता है। सीएस का तो मतलब अभी ये थोड़े टाइम पहले ऐसी ऐसी कम्युनिटीज इन्होंने बनाई है जो काम ही खाली किस पर कर रही है, प्रोफेशनल एथिक्स पर कर रही है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट इससे डेविएट हो रहा है, सस्पेंड कर दो या फिर रिमूव कर दो, या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन तो एटलीस्ट उसके अगेंस्ट होना ही चाहिए। अब देखो जैसे कि इस चैप्टर में इंक्लूड किया इन्होंने SQC 1, SA 220, क्वालिटी कंट्रोल जो मैंने बताया था, ठीक है? मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था ना, सब पर जो लागू होता है वो है SQC 1, कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, वो इसके साथ इंक्लूड क्यों किया इन्होंने? क्योंकि वो भी तो एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट ही है कि आपको विद क्वालिटी काम करना पड़ेगा, जो स्टैंडर्ड में बातें करी गई आपको उतनी क्वालिटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो वो भी क्या है, एक तरह से आपकी एथिकल वैल्यूज, आपकी क्वालिटी को मेंटेन करने का ही तरीका है। इसीलिए उसको इस चैप्टर के साथ क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ओके ओके प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच वर्सेस रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स। अभी ये क्या, यहाँ पे छोटी सी एक गली रीडिंग टाइप की बात बोली गई है। एथिकल गाइडेंस में फॉलो प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच और रूल्स बेस्ड अप्रोच, दोनों में क्या फर्क है? एसेंस ऑफ प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स इज दैट इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद स्पिरिट ऑफ एथिक्स। इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट्स टू एक्सरसाइज द प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन बेस्ड अपॉन देयर प्रोफेशनल नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टाइज। इट रिक्वायर्स दैट अकाउंटेंट शुड यूज प्रोफेशनल जजमेंट टू इवेलुएट एवरी सिचुएशन टू अराइव एट कंक्लूजन्स। हाउएवर, रूल बेस्ड अप्रोच टू एथिक्स स्ट्रिक्टली फॉलोज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड रूल्स। इट मे लीड टू नैरो आउटलुक एंड स्पिरिट ऑफ एथिक्स में बी ओवरलुक वाइल स्ट्रिक्टली अधरिंग टू रूल्स। Rules based approach is somewhat rigid as it may not be possible to deal with every practical situation relying upon the rules. देखो क्या बोलता है? Sorry. कि ethical guidance भी दो principles के साथ follow होती है। एक होता है principle based approach और एक है rule based approach. आप जब principle based approach लगाते हो, उसका क्या मतलब है कि जब मैं audit कर रही हूँ तो मेरी आंखें खुली रखूं, मैं जब ऑडिट कर रही हूँ तो ऑनेस्टी के साथ ऑडिट करूं, मैं जब ऑडिट कर रही हूँ तो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल जजमेंट लगाकर ऑडिट करूं। इसका मतलब मेरे में ऑडिट करने की अच्छी खासी कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, और बहुत ही ध्यान पूर्वक मैं क्या करूं, काम करूं, ठीक है? आप इसको नाप सकते हो क्या? कैन यू मेजर इट? इतने ध्यान से काम किया, हाँ, इतनी ऑनेस्टी के साथ काम किया, 2 ऑनेस्टी के साथ, 3 ऑनेस्टी के साथ, कैन यू मेजर इट? आप मेजर नहीं कर सकते। ये प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता था कि आपको ऐसे ही काम करना है, ये करोगे तो उसको ऑनेस्टी बोलेंगे, ऐसा करोगे तो उसको ऑनेस्टी नहीं बोलेंगे। आप इस तरह से काम करोगे तो हम बोलेंगे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है, ऐसे करोगे तो बोलेंगे कि नहीं है। इट के नॉट बी मेजर्ड, ओके? इट कैन ओनली बी ट्रेजर्ड, वो वाली सिचुएशन ना, इट के नॉट बी मेजर्ड ओनली ट्रेजर्ड, वो है आपका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच। एक होता है रूल बेस्ड अप्रोच। आईसीआई ने 10 रूल बना दिए, ये 10 रूल को एज इट इज फॉलो करना है, एज इट इज, वो क्या होगा, रूल बेस्ड, वो आप मेजर कर सकते हो, किसने ये रूल फॉलो किया या नहीं किया, सेकंड वाला किया या नहीं किया, थर्ड वाला किया या फिर नहीं किया। सो एथिकल गाइडेंस भी 2 रूल्स के साथ चलती है, कि प्रिंसिपल बेस्ड और एक है रूल बेस्ड। प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या है, जहां पर आपका क्या काम आता है, जजमेंट काम आता है, जहां पर आपके प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को इंपॉर्टेंस दी गई है, आपके जजमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई है, ये प्रैक्टिकल बात है, क्योंकि हर एंटिटी के साथ सिचुएशन क्या होती है, अलग अलग होती है। एक ही रूल अगर मैंने ऑडिटर के लिए बना दिया तो वो क्या हर एंटिटी पे उसे अप्लाई कर पाएगा क्या? अरे यार, सिचुएशन ही अलग है, तो आप सेम रूल हर एंटिटी पे अप्लाई करोगे कैसे? आपको एंटिटी के हिसाब से खुद को भी क्या करना पड़ेगा, मोल्ड करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा, और थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। लेकिन फिर भी टाइप्स ऑफ अप्रोच है, एक है रूल बेस्ड और एक है प्रिंसिपल बेस्ड। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। आखिर कौन सी चीजों को फंडामेंटल्स ऑफ एथिक्स बोला गया है, कि आप जब भी ऑडिट करेंगे आपको एटलीस्ट इन चीजों के साथ तो काम करना ही है, ये एथिकल वैल्यूज, ये मॉरल वैल्यूज तो आप में होनी ही चाहिए। देखते पहले नाम नाम पढ़ते हैं, पढ़ते को क्या क्या है। पहला है इंटीग्रिटी, दूसरा क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर। 1, 2, 3, 4 और
ओके, तो जब भी क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, आप क्या क्या लिखोगे बोलो? इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल। हाँ ठीक है, अब इसलिए आप कोई भी एक्रोनिम बना लो सुंदर सी छोटी सी, मेरे को तो कोई दिख नहीं रही। कॉपी विद आई नॉट वाई। चलो सो बेटा आपकी कितनी है बेटा टोटल? ये 5। एक बार वापस से रिपीट करेंगे अपन, बोलो कॉपी क्या है? कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और इंटीग्रिटी। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ। क्या है? कॉपी। क्या है? विद आई। ओके नहीं नहीं याद रहता है, अपने को लगता है याद नहीं रहता है, बहुत याद रहता है, हर कभी याद आ जाता है कुछ भी ऐसी चीजें उठपटांग, बल्कि सीधी सीधी याद करी हुई बिल्कुल ही याद नहीं रहती। तो चलो सबसे पहले बात करेंगे अपन इंटीग्रिटी की, क्योंकि जो आपका पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल आता है प्रोफेशनल एथिक्स का वो है इंटीग्रिटी। समझाने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी इज इक्वल टू ऑनेस्टी। ठीक है, इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? जो है जैसा है वैसा ही बताना, जो है जैसा है वैसा ही समझना, बिल्कुल भी आपको झूठ वाली चीज इस्तेमाल नहीं करनी है, ना ही आपको घुमा फिरा के मोड़ तोड़ के कोई काम करना है। इसका मतलब दो चीजें इंपॉर्टेंट है इंटीग्रिटी में, आपको जो है जैसा है वैसा बोलना है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्टी के साथ काम करना है। ठीक है चलो, एन अकाउंटेंट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल द प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। दूसरा, इंटीग्रिटी इंप्लाइज फेयर डीलिंग्स एंड ट्रुथफुलनेस। हर जगह आपको एक ही शब्द मिलेगा, ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी, ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट नोइंगली बी एसोसिएटेड विद रिपोर्ट्स, रिटर्न्स, कम्युनिकेशंस और अदर इंफॉर्मेशन वेयर ही बिलीव्स दैट द इंफॉर्मेशन कंटेन्स अ मटीरियली फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नेग्लिजेंटली और ओमिट्स रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वेयर सच ओमिशन वुड बी मिसलीडिंग। क्या बोल रहा है इस थर्ड वाली लाइन में? पहली में बोला बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और ऑनेस्ट होना चाहिए, इसी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी। दूसरे के अंदर बोला कि उसको सारी जो भी डीलिंग्स है वो फेयरली करनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी के साथ काम करना चाहिए। तीसरे में क्या बोल रहा है कि कभी भी ऑडिटर को जानबूझकर, नोइंगली का मतलब क्या होता है? जानबूझकर, जानबूझकर इन दो चीजों में एंगेज नहीं होना चाहिए, नॉट। ठीक है ओके, दो चीजों के साथ एंगेज आपको नहीं होना है। कब नहीं होना है? जब आपको पता है, जब आपको ऐसा लगता है, यू बिलीव दैट कि जो इंफॉर्मेशन है वो गलत है। अरे गलत इंफॉर्मेशन है तुम फिर भी उसके साथ डील कर रहे हो, ठीक है। और दूसरा, जब तुम्हें लगता है कि जो स्टेटमेंट या इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करे गए हैं वो लापरवाही के साथ बनाए गए हैं, लापरवाही के साथ प्रोवाइड करे गए हैं और उसमें वो इंफॉर्मेशन है ही नहीं जो तुम्हें चाहिए, तो डेफिनेटली बात हो गई कि तुमने फिर से डिसऑनेस्टी के साथ काम करने के लिए हाँ करी है। इसका मतलब तुम्हें काम भी उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है जो तुम्हें बिलीव होता है कि ऑनेस्ट है, जो तुम्हें बिलीव होता है कि ट्रूथफुल है, जो तुम्हें बिलीव होता है कि फेयर है। अनफेयर चीज दिखती है उसके साथ तुम्हें काम ही नहीं करना। अनफेयर चीज का मतलब क्या है? जहां पर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो मटीरियली फॉल्स है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो नेग्लिजेंटली बनाई गई है, या उसमें वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है जो तुम्हें चाहिए, ऐसी चीजों के साथ जानबूझकर तो एटलीस्ट तुम्हें काम नहीं करना है। तब क्या माना जाएगा कि तुमने कैसे काम किया है? विद इंटीग्रिटी काम किया है। और शॉर्ट एंड स्वीट वन वर्ड में बोलूं तो ऑनेस्टी इज द बेसिक्स ऑफ इंटीग्रिटी। कौन कौन फॉलो करते तुम ये बेस्ट पॉलिसी? हाँ तुम्हारी देखी कल मैंने बेस्ट पॉलिसी, पानी पूरी में वो कोल्ड ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक में मिर्च, तुमने नहीं बोला था मिर्च है, तुमने कहा था कोल्ड ड्रिंक खाली डालनी है उसमें, है ना? नमक, नमक तो अच्छा लगता है खैर उसके साथ, बहुत सारे लोग एक्चुअली में डालकर ही पीते हो। कौन किसका कल फुल हाउस है? किसका हुआ फुल हाउस? तुम्हारा हुआ? वाह वाह, गलती से, मतलब गलती से ही होता है वो तो, और कैसे होता है? तो एक का ही होता है ना, एक साथ अगर कैसे हो सकता है? अच्छा दो हाउस थे, फर्स्ट एंड सेकंड, पहला तुम्हारा और दूसरा तुम्हारा। ओ तो तुमने क्या गिफ्ट वाला हाउस ही रखा था? तो
अच्छा ओके चलो एक हाउस ही मैं भी तुम्हें खिलाऊंगी आफ्टर द एंड ऑफ कोर्स, जिस दिन कोर्स खत्म होगा उस दिन, या फिर किस दिन बीच में ऐसा मन हुआ थोड़ा सा कोर्स मेरा बैलेंस में आ जाए, मुझे लगे कि मैं पक्का खत्म कर ही दूंगी टाइम से, तब मैं पक्का एक गेम रखेंगे तुम्हारे लिए हाउस का, उसमें गिफ्ट मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए, जो एक बच्चा जीतेगा हाउस उसके लिए। कुछ भी कहो मैम, इसकी जगह दूसरा काम कर दो बस, है ना, आदमी कुछ मन बना ही नहीं सकता अपना कि हाँ बच्चों के लिए ये करना है। मूवी कोई अच्छी भी नहीं आ रही एक्चुअली अभी। मैंने नहीं सुना, ऐसी कौन सी मूवी है? अच्छा तभी नहीं सुना मैंने, अभी भी तो लग रही है एक मूवी, तो वो कैसी है? बकवास है ना? ठीक ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? शाहरुख खान सलमान खान की मूवीज ही ऐसी खराब खराब क्यों आ रही है? बाकी सबकी अच्छी और उनकी खराब। हाँ मतलब एक्चुअली क्या होता है, वो तो ओपनिंग में ही कमा लेते हैं ना वो, क्योंकि सबको लगता है कि उसकी मूवी तो डेफिनेटली अच्छी होगी, तो देखने तो चले ही जाते हैं एटलीस्ट लोग। ठीक ठीक है वाले भी चले जाते हैं कि ठीक ठीक है तो भी चल लो, तो ऐसा होता है। लेकिन फिर भी ऐसे ना बहुत ऐसे कॉन्सेप्चुअली अच्छी नहीं आ रही मूवीज ये दो तीन जो सुपर स्टार्स है इनकी। जैसे लास्ट एक हुआ आई थी ना सलमान खान की, कौन सी थी यार वो, Tiger 3, that was horrible, I think. लेकिन ठीक है, आज के लोगों को हो गया कि चलो यार संडे को कुछ नहीं तो मूवी तो देख लिया, कुछ भी आ रही हो क्या फर्क पड़ता है, कैसी भी हो 3 घंटे 4 घंटे तो एटलीस्ट स्पेंड हो जाते हैं। ओके तो कैसी बातें कर रहे हैं अपन एथिक्स के अंदर। ओके इंटीग्रिटी, सो आपको आपको काम कैसे करना है, चलो वापस बैक टू द फ्लो। हम बात कर रहे थे पहले इंटीग्रिटी की, हमने बात की इंटीग्रिटी का मतलब क्या है बेटा, ऑनेस्टी के साथ काम करना है, और दूसरा ट्रुथफुलनेस के साथ आपको सारी डीलिंग्स करनी है, और इन दो चीजों में से नोइंगली एटलीस्ट उनमें एंगेज नहीं होना। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, फोकस्ड अनबायस्ड, हाँ है ना, फोकस्ड एंड अनबायस्ड। देखो जब भी आप लोग कोई ऑडिट कर रहे हो, आप लोग बहुत सारे लोगों के लिए अपना ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, तो आप लोग एक तरफा डिसीजन नहीं ले सकते, बायस होकर काम नहीं कर सकते। सो बायसनेस नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, फोकस होके मुझे काम करना है, ऑब्जेक्टिव होके मुझे काम करना है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है उसे पूरा करने के लिए बस मुझे काम करना है, फोकस होके ऑब्जेक्टिव होके, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मेरा दिमाग बायसनेस में नहीं लगाना कि यार ये सिचुएशन ऐसे होती तो क्या होता, या मैं इसको मोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बातें तो सब विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो एक तरफा डिसीजन आपको कभी भी नहीं लेना है, अनबायस होकर काम करना है, और फोकस्ड और आपको ऑब्जेक्टिव होकर काम करना पड़ेगा। एंड ऑडिटर शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज हिज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर। दूसरों के अधीन होकर काम नहीं करना, दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर मुझे काम नहीं करना, और बायस होकर तो बिल्कुल भी काम नहीं करना है। अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट शैल नॉट अंडरटेक अ प्रोफेशनल एक्टिविटी इफ अ सर्कमस्टेंस और रिलेशनशिप अनड्यूली इन्फ्लुएंसेस हिज प्रोफेशनल जजमेंट रिगार्डिंग दैट एक्टिविटी। क्या बोला है सेकंड पॉइंट में, कि अगर आपके प्रोफेशनल इंटरेस्ट को या फिर आपके प्रोफेशनल जजमेंट को कोई चीज इन्फ्लुएंस करती है, आपको वो काम ही नहीं करना। इसका मतलब वो ऑडिट ही मत लो जहां तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मैंने अगर ये काम किया तो मेरा प्रोफेशनल जजमेंट क्या होगा, कॉम्प्रोमाइज होगा, या फिर मैं किसी के अंडी इन्फ्लुएंस में आकर मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसी एक्टिविटी को स्टार्ट करने की, ऐसी एक्टिविटी को कंडक्ट करने की ही जरूरत नहीं है, तभी क्या कहलाओगे आप, आपने ऑब्जेक्टिवली काम किया है, जो काम किया है अनबायस होकर काम किया है, जो काम किया है फोकस्ड होकर काम किया है। तीसरा फंडामेंटल प्रिंसिपल आपके सामने जो आता है वो है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। इस पर एक शॉर्ट नोट भी आया हुआ है, एक दो बार पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, वैसे बहुत छोटा सा है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है बोलो? बोलो बोलो। हाँ, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का यहां पर मतलब है टेक्निकल नॉलेज से, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज का मतलब क्या है, तुम्हारी अकाउंट्स की नॉलेज, तुम्हारी जितने भी सब्जेक्ट्स तुम पढ़ते हो, तुम्हारा अकाउंट्स, तुम्हारा ऑडिट, तुम्हारा लॉ, कॉस्टिंग, एफएम, एसएम, जो भी तुम पढ़ते हो, जो भी आपको अपना काम करने के लिए जिस इंफॉर्मेशन की, जिस स्टडी की, या जिन भी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसे प्रैक्टिकली आप अप्लाई कर रहे हो, दैट इज अ प्रोफेशनल
कॉम्पिटेंस, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेन एंड मेंटेन द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट द लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज. जो भी सर्विस, जो भी आप लोग क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, देखो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था तुम्हें स्टार्टिंग में, तुम्हें याद है कि ना एक क्लाइंट था मेरे पास जो कि ना रोबोट्स बनाता था, याद है? ओके, और उसको डील करने के लिए हमारे पास था ही खाली एक बंदा, कि यार उसको ही नॉलेज थी थोड़ा बहुत कि उसके अकाउंट्स में एक्चुअली जो पिक्यूलियर चीजें थी जो बाकी किसी के अकाउंट्स में नहीं होती, या जो उसके इंटरनल कंट्रोल्स में जो अनयूजुअल चीजें थी जो बाकी किसी के में नहीं होती, तो वो ही डील कर सकता था. इसका मतलब आपके पास उस क्लाइंट को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का होना जरूरी है. हर क्लाइंट के लिए आपको अलग अलग कॉम्पिटेंस की रिक्वायर, देखो कॉमन रिक्वायरमेंट तो होती है, अकाउंट्स लॉ ये सब तो कॉमन रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो काम तो हमें करना ही है, लेकिन हर क्लाइंट का नेचर अलग है. इसलिए कभी कभी हमें हमारी कॉम्पिटेंस लेवल को भी क्या करना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है कि यार इसको सर्व करने के लिए मेरे पास वो कॉम्पिटेंस है या फिर नहीं है. तो कोई भी क्लाइंट को हाँ करने से पहले ना आपको ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि आपको उसको सर्व करने के लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस आपके पास है या फिर नहीं है, आपकी टीम में वो लोग मौजूद है कि नहीं है जो उसको जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस. एक्ट डिलीजेंटली, एक और मतलब बताया इन्होंने प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का, डिलीजेंटली एक्ट करना, सोच समझ कर रैशनली कोई भी काम करना है, आंख बंद करके बेवकूफों जैसे काम नहीं करना. कि हमें सब आता है कैसे भी कर लो. डिलीजेंटली का मतलब है बिना लापरवाही के हर काम को पूरा करना, एंड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल टेक्निकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स. जो भी आप पर स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते हैं, प्रोफेशनल टेक्निकल व्हाटएवर, वो सब आपको पूरा करना है. डिलीजेंस इंक्लूड, देखो ये डिलीजेंस की डेफिनेशन दी इन्होंने यहाँ पे, वो ये लापरवाही के बिना काम करना या एक्ट केयरफुली. डिलीजेंस इंक्लूड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्ट केयरफुली थॉरली एंड ऑन अ टाइमली बेसिस इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ एन असाइनमेंट. ये डिलीजेंसी की क्या है, डेफिनेशन है. फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है ना, स्पेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा रेलेवेंस रखता है, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी. पेट में बात पचनी बहुत जरूरी है. जिसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पेट में बात नहीं बचती, वो बेटा सीए प्रोफेशन के अंदर तो बड़ी दिक्कत होती है उसको. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि खाली सेंसिटिव डेटा होता है हमारे पास क्लाइंट का, बहुत सारी बातें भी होती है उनकी. क्योंकि आप इतने टाइम तक उनसे डील करते हो, इतनी इंक्वायरीज उनसे करते हो, इतनी इन्फॉर्मेशन उनसे लेते हो, इतने फ्रेंडली उनसे हो जाते हो किसी टाइम पर, कि बहुत सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन होती है हमारे पास. ओके, तो अच्छा क्या क्या नुकसान होगा अगर कॉन्फिडेंशियलिटी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं? तो ट्रस्ट तो जाएगा जाएगा, ठीक है, वो तो हमें क्या ही फर्क पड़ता है, जाए तो, है ना. और सोचो किसी की अगर इतनी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है और जो वो मार्केट में आ गई, तो इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम सुना तुमने कभी? हाँ, उसका सबसे बड़ा शिकार बन जाएगी वो कंपनी. बनेगी कि नहीं बनेगी? ऑडिटर के पास इतनी ताकत नहीं है कि इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बाहर लीक कर सकता है. अरे सारा डेटा होता है हमारे पास, सारे इंटरनल कंट्रोल्स का हमको पता है क्या कर रहा है वो क्या नहीं, सारे लूप होल्स का हमको पता है उसमें कमी क्या है क्योंकि तुमने सारी चेकिंग कर रखी है. कमियों का जिसको पता है उसको तोड़ना भी आएगा उस कमियों को, आएगा कि नहीं आएगा? तो भैया ऑफकोर्स अगर हम कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं उस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा के साथ. तो एटलीस्ट तो इसीलिए क्या बोला गया है कि आपके अंदर फंडामेंटली होना चाहिए कि आपको डेटा को क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है. इनफैक्ट ऐसा बोला जाता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने घर में भी क्लाइंट का क्या नहीं करना चाहिए, डिस्कशन नहीं करना चाहिए. यू नेवर नो कौन कहां कब कैसे क्या इन्फॉर्मेशन चली जाती है. देखो छोटी छोटी फर्म्स का तो फर्क नहीं पड़ता, पर तुम ये सोचो कि कितने बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनके भी तो ऑडिटर्स हैं, है ना. टाटा है, रिलायंस है, बिरलाज है, इनके भी तो ऑडिटर्स हैं, उनके पास कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन रहती है. और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर बाजार को कैसे हिलाती है ना, ये हम सबको पता है. छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाती है तो किस तरह से शेयर बाजार तुरंत उसका नीचे जाता है या ऊपर जाता है. या फिर खाली इनसाइडर ट्रेडिंग की बात ही नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकालनी है, चाहे कोई भी डेटा आपको पता हो, चाहे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पता हो, दैट इज द कॉन्फिडेंशियलिटी. आपको इवन क्लाइंट के साथ भी सब कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है. समझो क्लाइंट में भी चार लोग इन्वॉल्व हैं, है ना, चार मेजर पर्सन है, चार की मैनेजरियल पर्सनल है, वहां पर भी एक की बात दूसरे तक अपन नहीं करते हैं कि ना ये सारी हरकत नहीं करते अपन बेसिकली. ओके, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर. तो ये है आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी. क्या लिखा हुआ है, पढ़ो कोई नहीं पढ़ते छोड़ो. रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप. आपको रेस्पेक्ट करनी चाहिए अगले के इन्फॉर्मेशन की.
उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी सर्व्स द पब्लिक इंटरेस्ट बिकॉज इट फैसिलिटेट्स द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्लाइंट टू द अकाउंटेंट विद द अंडरस्टैंडिंग दैट इंफॉर्मेशन विल नॉट बी डिस्क्लोज टू अ थर्ड पार्टी. इतने विश्वास के साथ सामने वाला बंदा आपको अपनी एक एक इंफॉर्मेशन देता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ उसको डिस्क्लोज नहीं करोगे, और इसकी रिस्पेक्ट एटलीस्ट मेंटेन रहनी चाहिए. इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जहां पे आप इंफॉर्मेशन किसी को बता सकते हो. जब सरकार हमारे सर पे आगे खड़ी हो जाए उनको देखो कोई मना नहीं कर सकता, ठीक है. तो जब लॉ ही आपको बोल रहा है कोई इंफॉर्मेशन बताने के लिए, जब आपको आपके क्लाइंट ने जिसकी इंफॉर्मेशन है उसने हाँ करिए कि हाँ तुम ये चीज पब्लिकली बता सकते हो, या फिर देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ. जब आप पे प्रोफेशनल कोई ड्यूटी आ जाती है कि यार आपको ये बात बतानी पड़ेगी, कोई केस चल रहा है या फिर कुछ इस तरह की बात हो गई है, तो वहां पर आप लोग बता सकते हो, लेकिन वो भी तब जब आपको लॉ ने वो बात बताने से प्रोहिबिट नहीं किया. लीगली भी हम बाउंड होते हैं कि हम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते. खाली ये तीन सिचुएशन है जहां पे आप इंफॉर्मेशन बता सकते हो. कौन कौन सी है? जब लॉ खुद ही कह रहा है कि बता दो, दूसरी बात क्लाइंट बोल रहा है कि यार तुम पब्लिकली ये बात बता दो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा कब? जब आप पे प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है, एज अ सीए आप पर ड्यूटी बनती है कि यार आपको ये बात बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. अदरवाइज आप किसी भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पार्टी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते. इसके अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट लीगल एक्शंस लिए जाते हैं. उसके बाद लास्ट है आपका प्रोफेशनल बिहेवियर. बहुत सिंपल सी बात है, इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू कंप्लाई विद रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशन एंड अवॉइड एनी कंडक्ट दैट अकाउंटेंट नोज और शुड नो माइट डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन. आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपके प्रोफेशन पर धब्बा लगे, है ना, आपके प्रोफेशन का नाम खराब हो या उनको कोई भी बेइज्जती सहन करनी पड़े. बेसिकली आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है जो डिस्क्रेडिट दे आपके प्रोफेशन को. अपने प्रोफेशन की नोबिलिटी मेंटेन करना अपने ही हाथ में होता है, ठीक है. देखो जब भी कोई डॉक्टर खराब काम करता है तो हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर ही ऐसा करेंगे तो किस पर विश्वास करें? मतलब वो एक डॉक्टर के चक्कर में पूरे डॉक्टर प्रोफेशन पर क्या आ जाता है, मेडिकल प्रोफेशन पर क्या आ जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है. आप कोई भी प्रोफेशन ले लो, हर प्रोफेशन की ये कहानी है. एक नेता खराब होता है, हम बोलते हैं ना सारे का सारा पॉलिटिक्स ही खराब है, पॉलिटिक्स का चक्कर ही खराब है. चाहे एक नेता ऐसा भी हो जो कि पूरी दुनिया बदल रहा है और हमारे अच्छे के लिए, ठीक है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देंगे हम, उन पर ध्यान देंगे जो कि खराब कर रहा है. इसीलिए अपने प्रोफेशन की नोबिलिटी मेंटेन करना अपने ही हाथ में होता है. सीएस की इतनी रेस्पेक्ट है ना, मतलब मुझे ये नहीं पता कि ना देखो कितना ज्यादा हमारा प्रोफेशन नोबल है या कितना अच्छा काम हम लोग करते हैं, लेकिन या और क्या मिलता है ऐसा सीए बनकर. बहुत सारे सीएज हैं, मैं भी मान रही हूँ ठीक है, लोग बनते हैं, लेकिन लेकिन एक चीज है जो वाकई में बहुत ज्यादा मिलती है सीए को, वो है रेस्पेक्ट. आप चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो सीए बन के, तो भी सीए नाम के आगे लगना अपने आप में ना एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट की बात है. सीए को हमेशा किस बात से एड्रेस किया जाता है? अरे सीए साहब आए हैं, है ना, अरे सीए साहब आए हैं, ओके. चाहे वो कुछ ही नहीं कर रहा हो सीए साहब, फिर भी उसे बोला क्या जाता है कि सीए साहब है. डॉक्टर्स के लिए भी ऐसा ही होता है ना, इन द सेम वे. हमारे साथ बहुत बड़ा रेस्पेक्ट वाला औहदा जुड़ा हुआ होता है, हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है. तो ना बहुत सारे बार ना ऐसा बोलते हैं, अरे सीए इतना हार्ड कोर्स है, क्या सीए तो सभी कर रहे हैं, सभी सीए कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है, सीए सब कर रहे हैं, बन सब नहीं रहे. पहली बात तो ये, ओके, कर बहुत सारे बच्चे रहे, बन सब नहीं रहे. और दूसरी बात ये कि जो बन रहा है उसको चाहे कितने भी बन रहे हो, उनको इक्वल क्या मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है. इक्वल रेस्पेक्ट का मतलब है आपको रेस्पेक्ट की नजर से ही देखा जाएगा. डिग्री में बहुत पावर होता है, तुम्हें पता है? हाँ मैम पता है, तभी तो हम कर रहे हैं. नहीं तुम्हें नहीं पता है, अभी तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि करना है हमको सीए, अभी तुमको उसके पावर का अंदाजा ही नहीं है. बॉयज के लिए तो होता ही है, गर्ल्स के लिए तो मैं तुमको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना पावरफुल है जब आपके पास डिग्री होती है. अपने घर में तो सबकी वही वैल्यू होती है ना, जब आप नेक्स्ट घर में जाते हो. इट्स ट्रू, ऑब्वियसली बात है. लेकिन जब व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट होम, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन यू कि क्या पावर रखती है वो डिग्री जब आपके हाथ में होती है. आपके नाम के आगे कोई डिग्री होती है, आपके नाम के आगे कोई इतना बड़ा डेजिग्नेशन होता है. आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे गलती भी कर रहे हो, बहुत कुछ ओवरलुक हो जाता है when you hold a professional degree. और CA तो इतनी noble degree है, मतलब आप कहीं पर भी जाओगे, if you are a chartered accountant, ऐसा बोलते हैं लोग, उसी नजर से देखते हैं कि अरे अरे मतलब इसको तो बहुत नॉलेज होगी, या फिर इसको तो बहुत, मतलब इसका उठने बैठने का ना तरीका ही बदल जाता है पर्सन का. चाहे वो वैसे ही उठ रहा हो वैसे ही बैठ रहा हो, लोगों का देखने का नजरिया क्या हो जाता है आपको चेंज हो जाता है when you hold a degree. कितने सारे CAs हैं जो जरूरी थोड़ी ना कि सब प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अरे आधे भी नहीं कर रहे.
बहुत सारे लोग तो जॉब कर रहे हैं जिनको नीड है, और बहुत सारे लोग बिजनेस कैरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस कैरी कर रहे हैं जो कि पहले से उनका चालू था, लेकिन फिर भी उनको देखने का परिवार वालों का नजरिया बदल जाता है। और परिवार वालों का तो छोड़ो, ठीक है कोई बात नहीं, बाकी रिलेटिव्स उनका तो एकदम ही बदल जाता है। और तीसरा, उनसे भी आउटर सर्कल में जो भी आपकी सोसाइटी है उनका भी बहुत चेंज हो जाता है बेटा। तो हर चीज ना खाली मनी फिगर के लिए नहीं करी जाती, या सीए बन के क्या ही कमा लेंगे, या सीए बन के पता नहीं कितना कमा लोगे, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। पैसा तो बिना पढ़े भी लोग कमाते हैं, नहीं कमाते क्या? अरे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख कर भी नहीं कमा रहे, बहुत सारे हैं जो बिना पढ़े भी अति कमा रहे हैं, है ना। लेकिन फिर क्यों हम इतने टफ कोर्स में, टफेस्ट कोर्स ऑफ इंडिया में क्यों है, क्यों कर रहे हैं? खाली एक चीज अर्न करने के लिए, दैट इज द रिस्पेक्ट एंड द नोबिलिटी जो इस प्रोफेशन के साथ अटैच्ड है। सही बोल रही हूँ क्या? फाउंडेशन के बाद ही सोचो तुमको ऐसा लोग बोलने लगे, अच्छा बेटा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गई, वाह वाह बच्चा सीए कर रहा है ना। अब तुम्हारे पेरेंट्स कहीं भी जाते हैं पूछते, बेटा क्या कर रहा है? सीए कर रहा है, फाउंडेशन तो क्लियर हो गई, अब इंटर और फाइनल बचे। मतलब द फील दे हैव जब वो ये बात कहते हैं, मैं एकदम प्रैक्टिकल और बेसिक लेवल पर आके बात कर रही हूँ, ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। सीए कर रहे होते हैं ना तो सोचो तुम्हें कितनी रिस्पेक्ट मिलती है कि बच्चा सीए कर रहा है, अभी तो इंटर में भी नहीं पहुंचा है, तो भी कितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना फैमिली में, होता है कि नहीं होता है? सीए कर रहा है, सीए करना अपने आप में रिस्पेक्टफुल है, तो सोचो सीए बनना कितना रिस्पेक्टफुल होता होगा। एक तो अपन बोलते हैं कि क्या कर रहा है, अरे बीकॉम कर रहा है बच्चा, है ना, बीबीए कर रहा है बच्चा, या फिर कुछ भी एम कॉम कर रहा है बच्चा, ओनली ओनली ओनली, है ना, उसकी रिस्पेक्ट जो फैमिली में होती है। वो बच्चा भी तो पढ़ाई कर रहा है ना, और देखो तुम भी अभी तक कुछ बने तो नहीं हो, कर तो तुम भी क्या रहे हो, अभी पढ़ाई कर रहे हो, पर बोला क्या जा रहा है, अरे उसका तो फलाना बच्चा ना सीए कर रहा है, फाउंडेशन भी क्लियर हो गया, सीए कर रहा है। करने में जब इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है तो बनने में तो कितनी मिलेगी, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। सही में जिस दिन आप सीए बनते हो ना, उस दिन जो कॉल लॉग्स आपके होते हैं उसमें सिर्फ मिस्ड कॉल्स होते हैं, क्योंकि इतने कॉल्स आते हैं कि जब मैं बताती हूँ, जब ना मैं जिस दिन सीए बनी थी, जिस दिन मेरा ग्रुप क्लियर हो गया था और मेरे को कॉल आया था कि अच्छा सीए तो बन गई, और भाई सीए तो बन गए, उस दिन रात को जब मैं सोई थी, बहुत देर तक तो सोई नहीं, ठीक है, लेकिन जब मैं सोई थी, आई हैड अराउंड अराउंड ना ना करते हुए भी 170 मिस्ड कॉल्स जो मैंने अटेंड नहीं करे थे। हाँ 170, 160 समथिंग मिस्ड कॉल्स जो मैंने अटेंड भी नहीं करे थे उस दिन। और तो हजारों तो अटेंड कर ली थे कॉल, पूरे दिन बात ही कर रही थी सीए बनने के बाद सबसे, किसी ना किसी से, लेकिन कितने मिस्ड कॉल से जो मैंने उठाए भी नहीं थे, इतने लोगों के फोन आते जिनको याद भी नहीं होंगी, मैं पता नहीं, ये जो मुझे भी याद नहीं है उनके भी। क्यों? क्योंकि कुछ तो बड़ा अचीव, इसका मतलब आप उस दिन लगता है कि यार कुछ तो बड़ा अचीव किया है। अपन ना करते करते अपने को चीज बड़ी नहीं लगती कि यार, क्योंकि फ्लो बनता रहता है ना, ठीक है जो हो रहा है लाइफ में हो रहा है, वही चीज कर रहे हैं, जो आगे आ रही है उसको फेस कर रहे हैं, बस बात खत्म। लेकिन आपको ना जब आप दूर बैठ के उस चीज को देखते हो ना, तो आपको पता चलता है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। अभी करते करते प्रोसेस में आपको इतना फील नहीं आएगा कि यार हम कितनी बड़ी काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज कर रहे हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंच जाओगे और दूर से फिर उस प्लेस को, उस पोजिशन को देखोगे ना, आपको अलग ही वाइब्स आएगी, जैसे गूसबम सारे मुझे अभी भी, मैं बोल रही हूँ ये बात की, मतलब वाकई में वो जो दिन होता है वो बहुत बड़ा दिन होता है। अब रोए हंसे समझ में नहीं आता है, हंसना भी आता है लेकिन उससे ज्यादा रोना आता है, और रो नहीं सकते क्योंकि इतनी अच्छी बात है, क्यों रोए यार। तो इतने हैप्पी टीयर्स होते, इतना अच्छा दिन होता है, दैट इज ऑल्सो मोटिवेशन की यार, जब भी आपको लगता है कि हम क्यों कर रहे हैं या क्या है, कैसे याद होगा, जिंदगी में कुछ तो ऐसा करो कि एक दिन तुम्हें इतने गूजबम्स और इतने अच्छे हैप्पी वाइब्स आए, तो उस दिन के लिए भी हम मेहनत कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत बार होगा बेटा, अभी फाइनल तक तो तुम्हें इतनी बार ऐसा लगेगा कि कल के छोड़ते आज छोड़ दूं इसको, क्योंकि कोर्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही ऐसा है अपना। और यार इतनी बड़ी चीज पाने के लिए आपको फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन सोचो तो कितने सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनको कभी ऐसी फीलिंग या कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ अचीव ही नहीं किया। तो सोचो उस फीलिंग को महसूस करने के लिए भी तो हम एटलीस्ट काम कर सकते हैं कि हम उन थोड़े से लोगों में से बने जिनको ये फीलिंग आती है कि माय गॉड ये क्या हो गया आज मेरे साथ, मतलब पूरा ऐसे एक बार तो दुनिया पलट गई, फिर चाहे अगले दिन सेम हो जाती है, लेकिन वो एक मोमेंट, वो एक देखो वो मोमेंट की बात है। जब कोई मिस इंडिया बनता है तो वो मिस इंडिया जिस मोमेंट पर बनती है ना, वो मोमेंट ही उसके लिए सब कुछ होता है। एज सून एज वो स्टेज से नीचे उतरती है, शायद उसकी लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाती है, ओके, या फिर, लेकिन वो मोमेंट में जो फील होता है वो उसका जिंदगी भर का क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, जस्ट टू फील दैट मोमेंट। वो मोमेंट मोमेंट की बात है, पल पल की बात है, वो वाली बात है।
सो आपको कोई भी चीज मोटिवेशन आप अपने आप के लिए बना सकते हो बेटा। मेरे को तो अभी भी मैं याद करती हूँ तो आई फील लाइक माय गॉड, वो फीलिंग तो मैं फिर से फील नहीं कर सकती, वो तो उस मोमेंट पर ही आती है, लेकिन जब मैं आंख बंद करके वो दिन के बारे में सोचते लगता है कि ओ गॉड वो दिन नहीं होता तो आज पता नहीं लाइफ क्या होती, कुछ और ही होती, या पता नहीं शायद बहुत अच्छी या बहुत बुरी, आई डोंट नो, लेकिन ये तो नहीं होती एटलीस्ट जो अभी है। तो वो मोमेंट बहुत बड़ा होता है, मतलब मैं अभी सिर्फ वर्ड्स में तुम्हें बता रही हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, तो वेरी वेरी बिग मोमेंट जिस टाइम वो आप बनते हो गया यार, बन गए किताबें बन, वो सारा पेन आप भूल जाते हो जो अभी आप फील करोगे या कर रहे हो या और करोगे, अभी तो फाइनल्स के अंदर सब भूल जाते हैं सब। ठीक है, अभी 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अपन 12 बजे तक क्लास कंटिन्यू करेंगे, इंडिपेंडेंस स्टार्ट करेंगे।